Assalamualaikum and hello food fam, कैसे हो आप सब लोग? कमेंट्स में बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोना मेक समथिंग यूनिक येट टेस्टी एंड दिस रेसिपी स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल माय चिकन लवर्स। मैं भी तो एक चिकन लवर ही हूँ यार, तो मुझे ये रेसिपी बहुत पसंद आई। यस, आपने पिज्ज़ा बहुत तरीके के खाए होंगे, और अगर पिज्ज़ा बनाने के तरीके की बात करूँ तो बड़ा प्रोसेस एंड टाइम कंज्यूमिंग है यार। डो बनाने की टेंशन, फिर उसके बाद सॉफ्ट होएगा या नहीं उसकी टेंशन। अब नो टेंशन और टाइम कंज्यूम तो बिल्कुल नहीं रहेगा। आप सोचो अगर पिज्जा डो के बदले हम चिकन बेस बना ले तो कैसा टेस्ट करेगा? ये तो मेरे मन में भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यस, हम वही ट्राई करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। सबसे पहले हम चिकन कीमा लेंगे, दैट इज मींस चिकन 1/2 kg, 2 grated cheese cubes। स्पाइसेस में वी गोना ऐड चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, पेपर पाउडर, सॉल्ट, चिल्ली पाउडर, ऑयल। अपने प्यारे हाथों से मिक्स कीजिए, देन प्लेस द बटर पेपर ऑन बेकिंग ट्रे। अप्लाई सम ऑयल एंड चिकन कीमा को प्रेस करके राउंड बेस की तरह बनाकर बेक कर लेंगे, ठीक है? Once it is done, in order to check whether the chicken is perfectly cooked, insert toothpick and check करो कि वो पका हुआ है या नहीं। बहुत ही आसानी से चिकन बेस निकल जाएगा अगर आप बटर पेपर यूज करेंगे तो, ठीक है? ये कितना प्यारा लग रहा है यार, this is so satisfying। मुझे नहीं पता था कि बेस इतना अच्छा बन पाएगा, बट बन गया। बेस तो बन गया, अभी बारी आती है उसके ऊपर टॉपिंग्स की। मैंने ना कोई वेजिटेबल नहीं यूज किया है, विदाउट वेजेस सिर्फ चीज पिज्जा बनाया है विद चिकन बेस। तो सबसे पहले हम पिज्जा सॉस अप्लाई करेंगे 1 tablespoon। आप ना अगर पिज्जा सॉस नहीं है तो मेरी तरह क्या यूज कर सकते हैं, शेजवान चटनी, बिकॉज हमारे घर पे पिज्जा सॉस अवेलेबल नहीं था। इसलिए मैंने क्या किया है, शेजवान चटनी एंड थोड़ा सा टोमेटो केचप मिक्स करके पिज्जा सॉस की तरह अप्लाई कर दिया। देन चीज में हम 3 types ऑफ चीज यूज करेंगे। फर्स्ट इज द ग्रेटेड चीज क्यूब, क्योंकि चीज क्यूब और चीज स्लाइस में ना वो परफेक्टली चीज वाला फ्लेवर आएगा। और अगर आप चीज पुल की बात करेंगे तो मैं रेकमेंड करूंगी आपको स्पेशली मोज़रेला का डाइस चीज, बिकॉज उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, स्पेशली वो चीज पुल में काम आता है। देन सीजनिंग में बेसिक सीजनिंग है चिली फ्लेक्स एंड ओरिगैनो। ये सब डालने के बाद ना फिर से बेकिंग ट्रे में हम ट्रांसफर कर लेंगे और ऑब्वियसली यार बेक कर लेंगे। बेकिंग प्रोसेस हमने यहाँ ऊपर टेक्स्ट में लिखा हुआ है, यू कैन चेक। फाइनली हमारा बेक करके ये पिज्ज़ा हो गया है। दिस लुक सो चीजी एंड यमी। मुझे ना मेरे मुंह में से पानी आ रहा है यार, कब मैं ट्राई करूँगी। गर्मा गर्म खाएंगे तो वो चीज़ पुल का मज़ा ही कुछ और है। As you can see, चिकन का बेस कम्प्लीटली कुक्ड है पीछे से और सामने से भी। और हाँ, खाने में बहुत ही टेस्टी था। चीज़ी एंड चिकन फ्लेवर वॉज रियली यम। अब ये देखो यार, इसका चीज़ पुल देके ये रेसिपी ना ट्राई किया तो क्या किया यार। जाइए जल्दी से ये रेसिपी ट्राई करो, और हाँ अपने चिकन लवर्स फैंस को, फूड फैंस को स्पेशली शेयर करो ताकि वो रेसिपी ये ट्राई करें। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आया रेसिपी ट्राई करने में। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। सो फॉर मी इट्स अ थम्स अप। बहुत खूब। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखना, हम फिर इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आएंगे। बाय बाय।